दिल्ली में फ्लाईओवर पर अवैध रूप से ट्रकों की पार्किंग की वजह से बड़ा हादसा हो गया। हादसे ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। ये तस्वीरें दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर के लूप में अवैध रूप से पार्क किया गया एक ट्रक अचानक लुढ़कने लगा और सामने खड़े दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। इसी दौरान दो बच्चे इन दोनों ट्रकों के बीच में फंस गए। 12 साल के आफताब और 10 साल के इफ्तिकार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे। हम लोग ऐसे नीचे से उतर के जाते नमाज पढ़ने को, इंदर लोग तो बच्चे दोनों जा रहे थे और पीछे से गाड़ी वाला आगे से आया, वो गाड़ी को टक्कर मारा, बच्चा जा रहा था, दोनों एक्सीडेंट हो गया उसी में। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक पुलिस वालों के शह पर ट्रक चालक फ्लाईओवर पर ही ट्रक पार्क कर देते हैं, जिससे अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, पुलिस वाले को कहते हैं, हम लोग अभी भी बोले हैं कि भाई ये सारा जो तुम लोग पैसे लेके जो है ये गाड़ी तुम लोग यहाँ पे खड़ी करवाते हो, तो हम लोग को वहाँ से धकेल के भगा दिया कि तुम लोग जाओ।